राजमार्ग NH3 को कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा कनार्दी की महिला भगवंता बाई की हत्या के बाद आरोपियों को पकड़ने और पुलिस के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर मार्ग को बंद किया गया। लगातार समझाइश देने के बाद भी लोग मांग पर अड़े रहे और शाजापुर और आसपास के क्षेत्र से भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को भी रोड पर बुला लिया। आरोपियों को तत्काल पकड़ने और उनके सामने प्रस्तुत करने की अजूबे गरीब मांग करने लगे। प्रशासन द्वारा लगातार समझाइश दी गई किंतु नहीं माने और रोड को जाम कर दिया, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को खासी परेशानियां हुई और लगातार 3 घंटे जाम लगा रहा। फोरलेन को सारंगपुर से रोजवास टोल व रोजवास टोल से देवास तक जगह जगह पुलिस ने वाहनों को रोक दिया था। 3 घंटे तक प्रदर्शन के बाद भी सड़क जाम नहीं खोलने से नाराज अनुभागीय अधिकारी तराना एकता जायसवाल ने शाजापुर पुलिस प्रशासन को सख्ती पूर्वक निपटने का आदेश देने के बाद जाम खुला था। मामले को गंभीरता से लेते हुए शाजापुर प्रशासन को वीडियो के माध्यम से मामला दर्ज करने का आदेश दिया था, जिस पर आगरा मुंबई राजमार्ग जाम करने पर 100 से 150 अज्ञात व नामजद प्रदर्शनकारियों पर CRPC की धारा 341 व 34 के तहत मक्सी थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। सख्ती के बाद क्यों लगाया जाता है जाम, यहाँ ये उल्लेख करना आवश्यक है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार के चक्का जाम को प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन शाजापुर जिले व उज्जैन जिले के तराना अनुभाग के अधिकारियों की समझाइश के बाद भी इस चक्का जाम को भीम आर्मी व अन्य द्वारा इस तरह का चक्का जाम किया गया है। देश का प्रमुख मार्ग माना जाने वाला हाईवे पर अब प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं करने की बात अनुभागीय दंडाधिकारी एकता जायसवाल ने की है। विशेष चर्चा के बताया कि अब सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ी तो निश्चित तौर पर नेशनल हाईवे पर आने जाने वाले लोगों को लगातार घंटों जाम में फंसा रहना पड़ेगा। उज्जैन जिला संवाददाता ललित परमार की रिपोर्ट। क्या मामला था? ये कनार्दी गांव में तराना में महिला की रात में हत्या हो गई थी, दलित महिला थी। भीम आर्मी के से जुड़े हुए पदाधिकारियों द्वारा लोगों को इकट्ठा करके यहाँ हाईवे जाम कर दिया था। उनसे बात की है, लगातार 2 घंटे उन्होंने जो डिमांड थी वो नहीं मांग सकते थे उनकी, जिस तरह की डिमांड थी, लेकिन पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जाम खुल गया। क्या आश्वासन दिया मैम? आश्वासन कुछ नहीं है भाई, आरोपियों के विरुद्ध आरोपी कार्रवाई चाहते हैं, तो निष्पक्ष जांच से ही संभव है, एक दिन में नहीं हो सकती। नेशनल हाईवे जाम हुआ है, क्या किसी व्यक्ति पर कार्रवाई होगी? अब इसके लिए जो वीडियोग्राफी वगैरह हुई है, थाना प्रभारी मक्सी को मैंने बता दिया है, ड्रोन और वीडियो बना लिए उन्होंने, तो आगामी कार्रवाई उनको करना। धन्यवाद।